मॉर्निंग गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार IDBI के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बारे में, के शेयर्स हैं आपके बारे में तो उसके बारे में, क्योंकि मेरे पास IDBI बॉन्ड से रिलेटेड एक कमेंट आया था। मैं एक बार आपको कमेंट शो कर देता हूँ कि क्या कमेंट था। ये मेरे पास कमेंट आया था, ये पूछते हैं, हेलो सर, मेरे पास IDBI डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड है, उसके पैसा लेना है, कैसे मिलेगा सर और कहाँ भेजना है? तो जी, IDBI जो बॉन्ड है आपके पास, पहले तो ये देखना है कि आपके जो बॉन्ड है वो पहले ही तो रिडीम नहीं हो गए, क्योंकि बहुत से बॉन्ड है वो बहुत पहले ही रिडीम हो जाते हैं और इन्वेस्टर को बाद में पता चलता है, क्योंकि जिनके रिडीम हो गए होते हैं वो ऑलरेडी इसके बारे में सब जानते हैं तो वो कमेंट नहीं करते या फिर वो नहीं उसका तकाजा करते हैं। बट मोस्टली जिन पर्सन की कमेंट्स आते हैं या फिर जिनकी क्वेरीज होती हैं उनके बॉन्ड रिडीम हो गए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि IDBI का RTA कौन है, कौन इसके बॉन्ड या शेयर्स जो है वो हैंडल करता है। तो इसके लिए आपको जिससे बात करनी है वो आपको देखना है कि कौन इसका बॉन्ड का RTA है। मैं आपको बता देता हूँ और एक बार शो कर देता हूँ कि कौन इसका रजिस्ट्रार रहने वाला है और आप किससे बात करेंगे। ये है रजिस्ट्रार, इसमें केफिन इसके रजिस्ट्रार हैं, केफिन टेक। वेबसाइट का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही ये एड्रेस है और ये कुछ उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं और ये उनकी मेल आईडी दी हुई है, तो आप इसके ज़रिए उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि IDBI बैंक के शेयर्स के जो रजिस्ट्रार हैं वो कौन हैं। जब आप यहाँ कॉल करेंगे तो बॉन्ड के रिगार्डिंग वो आपको जो भी कंसर्न पर्सन होगा या डिपार्टमेंट होगा उसका नंबर वो आपको दे देंगे, तो इन नंबरों पे एक बार कॉल करके आप चेक कर लीजिएगा। अब एक बार देखते हैं बॉन्ड के बारे में। ये हमने IDBI का बॉन्ड होल्डर का सेक्शन खोल लिया है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से इस पर गो थ्रू कर सकते हैं। ये हमने बॉन्ड खोल लिया, अब इसमें एक बार स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। ये गाइडलाइंस है बॉन्ड के लिए, तो आप एक बार गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और लिस्ट ऑफ बॉन्ड नोटिस, ये बॉन्ड के नोटिस हैं। आपका कौन सा ईयर का बॉन्ड है वो आप चेक कर लीजिएगा यहाँ से कि कौन से ईयर का बॉन्ड है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे रिडम्पशन नोटिस भी दिए हुए हैं, रिडम्पशन नोटिस, तो ये वो नोटिस हैं जो रिडीम कर दिए गए हैं बॉन्ड उनके विषय में है। यहाँ क्लिक ऑल पे क्लिक करके आप बाकी भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से रहते हैं और कब कब हुए हैं जो हो गए हैं। तो ये इस प्रकार से आप इसके विषय में सारी जानकारी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई शेयर्स भी है जैसे IDBI का या किसी और बैंक का, तो सिंपली आप गूगल में उसका RTA सर्च करेंगे और RTA से कांटेक्ट करेंगे, देन आपको उसका रिडम्पशन का प्रोसेस बताएंगे। यदि शेयर है तो सिंपली आप उसको अपने डीमैट में कन्वर्ट करेंगे और देन उसको सेल कर देंगे, तो वो आपका जो शेयर है वो पैसों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अकाउंट में आ जाता है। और ऐसे रिडम्पशन का प्रोसेस है, रिडम्पशन के लिए आप उनको कुछ ज़रूरी दस्तावेज यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, KYC और रिडम्पशन का फॉर्म फिल करके बॉन्ड के साथ भेजते हैं, तो वो आपका रिडीम भी हो जाता है। उसके साथ एडहेसिव स्टैंप क्या लगानी होती है, रेवेन्यू स्टैंप कितने की लगेगी, ये सब आपको RTA बताता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इससे जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए किसी इंटरेस्टिंग कमेंट या टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।